कल्याण के मलंग रोड काका ढाबा परिसर में मामूली बात को लेकर कुछ युवकों में झड़प हो गई। इस झड़प में 4 लोग घायल गए जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस वारदात में दोनों तरफ के लोगों पर क्रॉस कंप्लेंट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक कपड़े की दुकान चलाने वाले विजय दुबे जब दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी रॉनी थियोडोर नामक युवक से उनकी लड़ाई हो गई। मारपीट की वारदात CCTV में भी कैद हुई है। इस वारदात में दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप कर पुलिस में शिकायत की है। विजय दुबे का कहना है कि रॉनी और उसके दोस्तों ने मिलकर उन पर जानलेवा हमला किया, जिसमें विजय दुबे सहित एक और युवक घायल हो गया है। काल रात्री माझ्या कपड्याचं दुकान आहे काका ढाब्याला, आम्ही दुकान चेपसाप करून बंद करून पान खायला समोर टपरीवर गेलो। तिथं मागून एक दोन पोरे आले, धक्कामुक्की करून सिवी घाल गेले माझ्या मित्राशी आणि माझ्याशी। ती आमचे हुज्जत घालत आम्ही तिथे निघून थोडं पुढे आलो, परत ते आमच्या मागे 3-4 पोरे आले, तिथे हाणामारी गेले आमच्याशी। आम्ही पण ते धक्कामुक्की करून आम्ही निघून दुकाना साईडला चाललो। आम्ही परत 15-20 पोरे तलवार लाठी रॉड घेऊन आले, आम्हाला तिथे वार केलं, 21 टाके पडले आणि हाताला लागले। ते चक्की नाके अन्नू डोंगरे म्हणून आहे, अजून गणेश म्हणून आहे, अजून काही तीन नाव 2-3 नावं आहेत। ते थोडं 20-25 लोक होते तलवारी घेऊन आलेले। हो, पोलीस स्टेशनला दिली तक्रार। काही नाही, काही वाद नव्हता, फक्त ते रात्री पिलेले खाली होते वाटतं। मला काही चरस गांजा काहीतरी होतं त्यांचा, माहीत नाही। वही दूसरी तरफ इस मारपीट में रॉनी और उनका एक साथी भी चोटिल हुआ है, जिनका इलाज चक्की नाका के साथ सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। रॉनी ने भी विजय दुबे पर मारपीट का आरोप लगाया है। हम खाना खाने के बाद मैं और मेरा मित्र पितांशु, हम दोनों टपरी पे गए थे सिगरेट पीने के लिए। तो वहाँ पे एक शख्स था, उसका नाम था विजय दुबे, और उसके साथ दो साथीदार थे, वो संतोष प्रजापति और ये अपना कुमार, ऐसा कुछ नाम था उनका। तो उन्होंने बोले कि हमारे लिए भी ले एक पैकेट सिगरेट। तो हमने मना कर दिया उनको कि नहीं, हम नहीं लेंगे। तो बोले तुझे पता है कि हमको ने हमारा बैकग्राउंड क्या है, धक्का बिक्का देने लग गए और फिर मारने लग गए हमको। फिर हम थोड़ा आगे गए मेडिकल के पास डर के, तो वहाँ भी वो आ गए। तो वहाँ भी उन्होंने वो जो चना शेंगदाना भाजते हैं उसका झारा रहता है, उससे हमला कर दिया मेरे। तो मेरा हाथ जख्मी हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने गला पकड़ के मुझे नीचे गिराया, मारा। और मेरे साथी पितांशु सिंह है, उनको धारदार चाकू से पीठ पे और दोनों साइड पैर पे उन्होंने वार किए। और फिर उसके बाद वो वही गाली गलौज करने लगे और बोल रहे थे तुमको मार देंगे, ऐसा ये वो बोल रहे थे। फिर नहीं, मैंने उनकी पिटाई नहीं की, मैं तो वहाँ से तुरंत निकल गया, क्योंकि वो ज़्यादा लोग थे, हम दो ही लोग थे। वो लोग उनके साथीदार और थे, 7-8 लोग और आए, और वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे गुंडागर्दी करते उधर नांदेली से। इस पूरे मामले में कोलचेवाड़ी पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। मामले की जांच चल रही है। आकिब शेख, जीवार्ता न्यूज़, कल्याण।